हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं अभी व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज सुबह से हो रही थी बारिश और मौसम था बहुत खुशगवार, तो मैंने सोचा बनाए जाए पकौड़ियाँ। और हर बंदा बारिश के मौसम में पकौड़ी खाना जो है पसंद करता है, और आपके घर में भी बनी होगी पकौड़ियाँ, पकौड़े। मैं पकौड़ों को पकौड़ियाँ कहती हूँ। तो मैं आलू को ना इस तरह से क्रश कर लेती हूँ, मुझे क्योंकि कभी भी मोटे आलू नहीं पसंद। क्यों? वो इसलिए कि मोटे आलू अमूमन गलते नहीं हैं और कच्चे रह जाते हैं, जो बड़े ही मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आलू को हमेशा ऐसा ही काटती हूँ। प्याज काटती हूँ इस तरह से, और मैंने जो डाली है इस वक्त मिर्ची, मैं हंसते रह कर डाल रही हूँ। वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितनी डालते हैं। हरा धनिया ऐड किया है मैंने इसमें, और थोड़ी सी पालक, वो भी आपकी अपनी चॉइस है कि आप डालें या ना डालें। मुझे अच्छी लगती है तो थोड़ा सा नमक हंसते रह का। और इसमें मेरी एक टिप है जो मैं डालती हूँ, वो बाद में बताऊंगी। इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं, और इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी है। और ये है मेरी स्पेशल टिप, ये है चावल का आटा। तो आप लोग कह रहे हैं ये चावल का आटा क्यों डाला? चावल का आटा मैंने इसमें डाला है इसलिए ये हो जाएंगे कुरकुरे, और इसका टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा ये बड़े अच्छे से हो जाते हैं कुरकुरे से, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसमें चावल का आटा ऐड करती हूँ। और मैंने इसमें मैं इसमें बेसन और पानी पहले डाल चुकी हूँ, मैं भूल गई आप लोगों को दिखाना। और मैं अब इसको जो है बैटर को मिक्स कर रही हूँ, और आप देखेंगे जो बेसन वाला बैटर होता है, शक्ल होती है, वो इसकी निकल के आ गई है। और मैंने तेल को पहले से ही चूल्हे पे चढ़ा दिया था, और तेल हमारा हो गया है अब गरम। और इसमें डाल रही हूँ मैं अपनी पकौड़ियाँ, और ये बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी पकौड़ियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। और मौसम भी बहुत खुशगवार है, और अमूमन हर घर में अभी पकौड़ियाँ खाई जा रही होंगी और चाय पी जा रही होगी। बारिश का मौसम हो तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि कराची वाले क्या पूरे मुल्क में पकौड़े समोसे ना खाएं, या कुछ भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो इस मौसम में खाई जाती है, ऐसा तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। और मेरी पकौड़ियाँ थोड़ी सी आधे से ज़्यादा पक चुकी हैं, और मैं इसीलिए इसको हिला रही हूँ। अगर मैंने इसे हिलाया नहीं तो आप लोग जानते हैं जल जाएगी। अब मैं इसको जो है पलटूँगी, जो नीचे से पकी होंगी वो ऊपर आ जाएंगी, और जो ऊपर से कच्ची हैं वो नीचे चली जाएंगी। और जो है आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका दिल चाहे तो इस रेसिपी पर पकौड़ियाँ बना के देखिएगा, हो सकता है आपको मज़ेदार लगे। हर किसी की अपनी रेसिपी होती है, हर कोई अपने तरीके से खाता है। ये मेरा तरीका था बनाने का, तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स में शेयर करूं, क्या पता उनमें से किसी को पसंद आए और वो इस रेसिपी को ट्राई करें। और अभी जो है बारिश के मौसम में पकोड़े खाने का मज़ा कुछ और ही होगा, बहुत मज़ा आता है पकोड़े, समोसे, चिप्स, हर फ्राइड आइटम खाने का बहुत मज़ा आता है। तो बस हमारी पकौड़ियाँ बन गई हैं, अब मैं इनको निकालूंगी और मैं इसको डालूंगी प्लेट में। अब मैंने प्लेट में रख दी हैं पकौड़ियाँ, और रखा है साथ में केचप। मैं पकौड़ी केचप से खाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।